पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीत कर इतिहास रच दिया। इसके बाद देश विदेश से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में एक चैंपियन एथलीट ने दूसरे चैंपियन एथलीट यानी कि मनु को सलाम किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने मनु की सराहना की है। द्रविड़ भी अपने समय में अपेक्षाओं और दबाव का सामना करने में माहिर रहे थे। जिस तरह मनु ने अपेक्षाओं और दबाव में पदक अपने नाम किया है, द्रविड़ ने मनु भाकर को पहले ओलंपिक की कड़वी यादों को भुलाकर यहां ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। द्रविड़ ने यहां इंडिया हाउस में एक परिचर्चा में कहा, मनु की कहानी अद्भुत है। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद पेरिस आकर कांस्य पदक जीतना असाधारण उपलब्धि है। ऐसे खास दिन यहां आकर अच्छा लगा। इस तरह की उपलब्धियां बरसों के बलिदान, कड़ी मेहनत और समर्पण से मिलती है। एक खिलाड़ी के लिए ये आसान नहीं होता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच ने कहा, भारतीय खेलों के लिए विशेष दिन पर यहाँ आना अच्छा है। मैं उनके कई खेलों में उस दबाव की कल्पना कर सकता हूँ जो इसमें शामिल है, क्योंकि ये उनके खेल का शिखर है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता और उनके लिए इस दबाव में भी शानदार प्रदर्शन करना भारतीय खेलों के लिए सचमुच महान दिन है। इतने सारे लोगों के लिए क्या प्रेरणादायक कहानी है। द्रविड़ ने दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के बारे में कहा, हम जानते हैं कि खिलाड़ियों के लिए ये कितना मुश्किल होता है और वे किस चीज से गुजरते हैं और काफी कुछ इन कुछ दिनों पर निर्भर करता है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफिकेशन के दौरान पिस्टल में खराबी के कारण भाकर निराश हो गई थी, लेकिन 3 साल बाद उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें लालसा थी। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 22 साल की भाकर ने कड़ी चुनौती पेश करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 221.7 अंक अर्जित किए और कांस्य पदक हासिल किया। कोरिया की किम येजी ने 241.3 अंक के साथ रजत और जिन ये ओह ने 243.2 अंक के खेलों के ओलंपिक रिकॉर्ड से स्वर्ण पदक हासिल किया। खेल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक द्रविड़ ने हाल में T20 विश्व कप में टीम के मुख्य कोच के रूप में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ये बतौर कोच टीम इंडिया के साथ उनका आखिरी टूर्नामेंट था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम के अपने पूर्व साथी गौतम गंभीर को कमान सौंपी। द्रविड़ फिलहाल फ्रांस की राजधानी में क्रिकेट एट द ओलंपिक डॉन ऑफ ए न्यू एरा विषय पर पैनल चर्चा में भाग लेने आए हैं। इसमें क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस खेलों में शामिल किए जाने का जश्न मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।